अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 23 अगस्त को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में एक शदीद नौयत का तूफान आया और मक्का में इससे पहले इस शिद्दत का तूफान पहले कोई नहीं तस्वीर किया गया। इस खतरनाक तूफान की वजह से कई हादसात भी पेश आए। दोस्तों, सऊदी अरब का ये तूफान इस कदर खतरनाक था कि इसके खतरे को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। लेकिन आखिर इस तूफान की वजह क्या बनी, इससे लोग कैसे मुतासिर हुए और फिलहाल इस तूफान की क्या अपडेट है, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब का ये तूफान इस कदर शदीद था कि तूफान के मजीद नुकसान से बचने के लिए लोगों को हदायत भी जारी कर दी गई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशों और तेज हवाओं की वजह से हरम में आए हुए लोगों ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। मक्का के शहर पर शदीद बारिश की वजह से रोड पर मौजूद गाड़ियां पानी में ही फंस गई और लोगों के लिए घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। तेज हवाओं की वजह से बहुत सी गाड़ियां उलट गई और बहुत से बिलबोर्ड भी नीचे गिर गए। सऊदी हुकूमत ने मजीद सूरतेहाल खराब होने से पहले रेड अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को ये हदायत दी गई कि अपनी हिफाजत करें और बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, इससे पहले सितंबर 2015 में भी मक्का में शदीद किस्म की बारिशें हुई थी और इस दौरान हरम में एक बड़ी सी क्रेन के जरिए काम जारी था और तेज हवाओं की वजह से ये क्रेन उलट गई और बदकिस्मती से इसके नीचे कुछ लोग आ गए। हादसे में शामिल तकरीबन 100 लोगों की वफात हो गई और मजीद 400 लोग जख्मी भी हो गए। उस वक्त ना कोई खास टेक्नोलॉजी ना ही सेफ्टी प्रोटोकॉल होने की वजह से ये हादसा पेश आया। इस बार टेक्नोलॉजी के जरिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया था। इतने पैसे, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद तूफान की वजह से होने वाले हादसात को ना रोका जा सका। हालांकि सऊदी अरब में इस साल वेदर फोरकास्ट की गई थी कि बारिशों की तवक्को है, लेकिन किसी को इस बात की खबर ना थी कि इस शिद्दत का तूफान आएगा। अब अगर बात करें कि आखिर इसका रीजन क्या था, तो दोस्तों वो है क्लाइमेट चेंजेस। दोस्तों, दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और इन्हीं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत से मुल्क मुतासिर भी हो रहे हैं। दोस्तों, इसी क्लाइमेट चेंज की एक मिसाल 18 नवंबर 2022 में पाकिस्तान में होने वाला सैलाबी रेला है, जिससे 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। इसके साथ साथ 1729 लोग भी जहां बाग हुए और अब सऊदी अरब का ये तूफान। दोस्तों, क्लाइमेट चेंजेस और अनप्रेडिक्टेबल वेदर की एक और वजह यह है कि मौसम को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जिसमें केमिकल्स को बादलों में भेजकर बारिश को बढ़ाया जाता है। इस आर्टिफिशियल तरीके से बारिश तो होती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, जिससे वेदर पैटर्न बिगड़ जाते हैं और अनप्रेडिक्टेबल वेदर जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में हुई। फिलहाल दुनिया में रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वो मुल्क हैं जो कि आर्टिफिशियल वेदर यानी मस्नूई बारिशों पर काम कर रहे हैं और इसी मस्नूई बारिशों की वजह है कि दुनिया में दिन ब दिन गर्मी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब की अगर करंट कंडीशन की बात करें तो फिलहाल सऊदी अरब में मौसम स्टेबल हो चुका है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि मोहतात रहा जाए, क्योंकि इस बात का खदशा है कि तूफान फिर से आ सकता है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक अहम बात, जब किसी मुल्क में तूफान आता है तो वो एकदम से खत्म नहीं होता, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। सऊदी अरब का ये तूफान यहाँ से शुरू हुआ और अब ये मिडिल ईस्ट के इलाकों की तरफ सफर कर रहा है और इस बात के बहुत चांसेस हाई हैं कि ये तूफान पाकिस्तान, ईरान और भारत की तरफ रुख करेगा। तो दोस्तों, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट के जरिए हमसे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।